हेलो दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि जौनपुर यूनिवर्सिटी। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम फाइनली सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और उनका रिजल्ट नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उनका रिजल्ट नॉट फाउंड क्यों शो कर रहा है और उनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और कब तक आने की उम्मीद है। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, तो दोस्तों सिर्फ हम मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीए और बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर, इन लोगों का रिज़ल्ट अभी किसी का भी नहीं आया, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से किसी का नहीं, और फाइनली सभी लोगों का मैक्सिमम आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज है जिनका भी नहीं आया, लेकिन बीए और बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इनका भी यानी कि खाता ही नहीं खुला, इनका किसी का रिज़ल्ट आया ही नहीं। तो दोस्तों, इनका रिज़ल्ट पेंडिंग में इसलिए है, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कोई इसका हमें रिप्लाई दीजिए क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अभी तक क्या हुआ इसका जो इतने क्योंकि ये बहुत सारे जो रिज़ल्ट थे एक साथ अपलोड किए हैं, इसलिए इसका जो सर्वर था वो वीक हो जाए, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है। जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है उनका जो उम्मीद है वो 15 जून तक आ जाने की है। तो दोस्तों, बाकी जो रिज़ल्ट बचे हुए हैं उनका मुझे एग्जैक्टली या ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मुझे थोड़ा लिंकअप मिला, थोड़ा आइडिया मिला, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि जो आप लोगों का जो बाकी के रिज़ल्ट हैं वो 15 जून से पहले आ जाएंगे। तो दोस्तों, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे भी एग्जैक्ट कोई नोटिफिकेशन मिलता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करूँगा, या रिज़ल्ट आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो दोस्तों, 15 जून से पहले ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जिनका रिज़ल्ट नॉट फाउंड कर रहा है वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारा रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है, यानी कि हम फेल तो नहीं हो गए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को अभी तक शो नहीं कर रहा है और नॉट फाउंड शो कर रहा है, उनका मैं कन्फर्म यानी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट फेल नहीं है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक शो नहीं कर रहा है, अगर आप फेल होते तो आप लोगों का रिजल्ट जो फाइनली उसमें आता, आपका रोल नंबर भी आता, सारे आपको डिटेल आपको दिखाया जाता उसमें पास फेल। तो दोस्तों, अभी तक आपका शो नहीं कर रहा है तो आप 100% फेल नहीं हैं, और आपका नॉट फाउंड बता रहा है तब भी आप 100% मैं कह सकता हूं कि आप फेल नहीं हैं। दोस्तों, अगर जब फेल होते तो आपके सामने पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाती कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं या इसमें फेल हैं, इसमें फेल हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो हम फेल हैं, तो वो स्टूडेंट तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम फेल तो नहीं हो गए। तो दोस्तों, उनके लिए यही है आंसर, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन मिलता है कि आ गया रिजल्ट तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रिज़ल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो दोस्तों, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।